नमस्कार, भदोही की सियासत काइवा तुर्क, नाम मनोज मिश्रा। हमेशा सुर्खियां और चर्चा में बने रहने का कारण दीक की सियासत में सक्रियता, प्रमुख पद की कुर्सी संभालना, विजय मिश्रा को सजा होने के बाद मनोज मिश्रा कहां कहां पहुंचे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में। ज्ञानपुर के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को सजा होने के बाद दीक प्रमुख मनोज मिश्रा चंडिका धाम पहाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मां चंडिका का दर्शन पूजन किया। सपत्निक दर्शन पूजन करने के बाद मनोज मिश्रा ने समर्थकों के साथ माता रानी के दरबार में शीश नवाया और मीडिया से बात की। सुनिए, शुभ घड़ी है, आप चंडिका धाम पहुंचे हैं। ऐसे भी बजरंग बली के आप भक्त हैं, श्री राम दरबार में हाजिरी लगाते हैं, आज माता की शरण में हैं, क्या कारण है, क्या कहेंगे? माता जी बड़ी कृपा है, उनका बुलावा आया, उत्तर परिवार में दर्शन करने अपने सहयोगियों के साथ जो है परिवार के साथ दर्शन करने। आज का दिन बड़ा शुभ था और बहुत अच्छा दिन है, आज मंगलवार भी है, आपको ऐतिहासिक माननीय न्यायालय द्वारा एक न्यायालय भी हुआ जनपद भदोही के लिए, यह बहुत ही प्रभाव की बात है। माँ चंडिका ने बुलाया, मैं दर्शन करने चला है, क्योंकि इसके पहले यहाँ हमारे यहाँ रामवीर आदरणीय सम्मानित निकेश मिश्रा द्वारा जो है इस मंदिर का करोड़ों रुपये का जीर्णोद्धार कराया गया, उस समय मैं आया था। तो ये थे डीक ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा, जिन्होंने कहा है कि माता की कृपा बनी रहेगी, दर्शन को आते रहेंगे। ऐतिहासिक फैसला आया है, पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को सजा हुई है और सजा के बाद कहा जाता है कि विजय मिश्रा माता रानी का परम भक्त हुआ करता था, लेकिन बजरंग बली के परम भक्त मनोज मिश्रा माँ विंध्यवासिनी चंडिका धाम समेत तमाम स्थानों पर दर्शन पूजन करने को पहुंचे हैं। भदोही की सियासत में पिछले 3 दशक के इतिहास में यह पहला मौका रहा है जबकि बाहुबली विजय मिश्रा को सजा हुई है। की पूरी जनता ही जानती थी बाहुबली के बारे में, लेकिन जो है बजरंग बली के जो भक्त आप कहे मनोज मिश्रा डी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख, वो अपना जो है गदा ऐसा चलाए है कि अब तो कोई जो है रही नहीं गया है। विजय मिश्रा में शांति हो रही है, एकदम खुशी चल रहा है। दीपावली के मौका पर सब जो है इस बार जो है धमाके से दीपावली मनाए, अग्नि की कृपा है, चंडिका धाम की कृपा है कि जो डी ब्लॉक के प्रमुख हैं हम लोगों के लिए अब पूरा मार्ग सही कर दिए हैं, रास्ता सही कर दिए हैं। भदोही में विकास का ही लहर चल रहा है, हर जगह चर्चा बनी हुई है प्रमुख जी का, पूरे जिले में कहीं भी किसी जगह एक मिर्जापुर से लेते हुए भदोही सोनभद्र जितना एरिया है सब प्रमुख जी के ही गुणगान में चल रहा है। हम लोग भी उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, प्रमुख जी के साथ हम लोग सैकड़ों की संख्या पे यहाँ चंडिका धाम में दर्शन किए। मनोज मिश्रा इस समय चंडिका धाम के गंगा घाट पे हैं, ये गंगा का किनारा है और परिजनों और समर्थकों के साथ यह माता रानी का दर्शन करने के बाद माँ गंगा का दर्शन पूजन कर रहे हैं। एक ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा चंडिका धाम में दर्शन पूजन के बाद डीक प्रमुख मनोज मिश्रा मां विंध्यवासिनी के दरबार विंध्याचल धाम में पहुंचे। आपको बता दें कि पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को माता रानी के परम भक्त के रूप में जाना जाता था, लेकिन विजय मिश्रा को सियासी जीवन में पहली बार सजा होने के बाद मनोज मिश्रा मां विंध्यवासिनी के धाम विंध्याचल पहुंचे, तो वहां उनकी मुलाकात मां विंध्यवासिनी धाम के पुजारी अवनीश मिश्रा से हुई। विंध्यवासिनी धाम के पुजारी अवनीश मिश्रा ने पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को क्या दिया श्राप, सुनिए। जी, विजय मिश्रा को सजा हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो दुर्दंड अपराधी है, जिसके रक्त में अपराध बसा हुआ है, उसको सजा तो मिलना बहुत पहले ही चाहिए था, मगर माँ विंध्यवासिनी के दरबार से मैं यही चाहूँगा कि जितने लोगों को उसने परेशान किया है और जब जब परेशान किया है, जिस तरह से परेशान किया है, भगवती उसी तरह से उसको परेशान करे और वो तिल तिल करके रोज उसकी मृत्यु हो।
और उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को मैं बहुत ही बधाई दूंगा कि इस तरह के दुर्दंड अपराधी का जिस तरह से दमन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो बहुत ही काबिले तारीफ। हमारे भाई हैं मनोज मिश्रा जी, जो कि जानपुर भदोही के रहने वाले हैं, उनके साथ भी बहुत ही घृणित और बहुत ही घिनौना कार्य उसने किया, जबकि मनोज मिश्रा हमेशा उसकी मदद के लिए रहते थे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से हम उसका मदद कर रहे थे, उससे कहीं गुना ज्यादा वो उसका मदद करते थे, उसके हमेशा सुख दुख में खड़ा होते थे। मगर वो इतना बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि वो किसी का नहीं है, और खासतौर से ब्राह्मण और ठाकुर का तो कभी हो ही नहीं। मिर्ज़ापुर जिले के पहाड़ा स्थित चंडिका धाम और विंध्याचल स्थित माँ विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन करने के बाद डीग प्रमुख मनोज मिश्रा यही नहीं रुके, बल्कि वह क्षेत्र के कठौता और प्रयागदासपुर गांव में आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल हुए।